मेरा वेट घटते घटते रुक गया या मैंने हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज किया और कोई असर नहीं हुआ, सारे पैसे बेकार गए। कुछ लोगों ने सवाल ये भी किया है कि मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ, मुझे डाइट प्लान दीजिए, मैं कैसे शुरू करूँ। कुछ का सवाल यह भी आया कि हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद कहीं वजन बाउंस बैक तो नहीं हो जाएगा, और कुछ ने तो बताया कि उनका वजन सीधा बढ़ गया जब हर्बल लाइफ यूज करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या करें, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम आपके सारी क्वेरीज इस तरह की जो हैं वो इसमें हल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधुभूषण और आप देख रहे हैं दिनकर इंडिया लाइव, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पेज पर भी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपके सवालों को नोट कर रखा है ताकि कोई सवाल स्किप ना हो जाए। सबसे पहले हम जो सवाल लेते हैं वो है पहले महीने का डाइट प्लान। जिन्होंने नया नया ही यूज करना शुरू किया है या अभी यूज नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका डाइट प्लान कैसा हो। तो आज हम आपको उसका डाइट प्लान भी बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक जैसी नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग तरह की होती है, सबका अलग अलग तरह का वर्किंग कल्चर है, सबके खाने पीने का अलग तरीका है, तो इसलिए सबको एक ही डाइट प्लान नहीं होता है, तीन तरह के डाइट प्लान हैं। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर डाइट प्लान जो इस टाइम सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, मैंने आजमाया हुआ है अपने ऊपर भी और कई लोगों पर भी, नंबर वन है SMS, शेक मील शेक प्लान। सुबह उठने के बाद मॉर्निंग में आपको हर्बल लाइफ के अब फ्रेश कोई पीना है, फ्रेश होना है। इसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपको 30 मिनट की आपको शेक लेना है। 250 ml पानी में शेक में पाउडर के 2 चम्मच, 3 चम्मच फार्मूला वन शेक के और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के, ये मिला करके आपको ब्लाइंड करके या शेकर में हिला करके आपको पी लेना है। ये हो गया आपका शेक। अब आपको 5-6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। जैसे मान लीजिए 8 या 9 बजे आपने ये शेक लिया है तो आपको 2 या 3 बजे के आसपास लंच लेना है, चाहे तो 1 बजे भी ले सकते हैं आप, अगर आपको उस तरह टाइम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आपको लंच लेना है। लंच में चावल रोटी सब्जी दाल सब कुछ खाइए, कुछ छोड़ना नहीं है। बस मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो आपको अपने खाने में ऐड करना है। पर्याप्त मात्रा में सलाद खाना है, दूसरा आपको दही ऐड करना है उसमें, 150 ग्राम के आसपास आपको दही ले लेना है वहाँ पे। तीसरा, खाना खाने से लगभग आधे घंटे पहले आपको अफ्रेश गुनगुने पानी में लेना है 250 ml। अब ये सवाल उठता है, अगर शेक जो मैंने बताया आपको 8-9 बजे आप शेक लेंगे और फिर आप लगभग 2-3 बजे मिल लेंगे, इन दोनों के बीच में अगर भूख लगती है उसके बीच में आप पानी पी सकते हैं, उसके बीच में एक आक अफ्रेश पी सकते हैं। अगर आपने 2 या 3 बजे लंच कर लिया है, 8-8:30 बजे के आसपास आपको फिर एक बार वही शेक, 3 चम्मच शेक पाउडर, 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर और 2 जो है शेक मेड के पाउडर 250 ml पानी में, या फिर आप चाहें तो 250 ml दूध में। अगर 250 ml दूध का इस्तेमाल करेंगे तो फिर शेक मेड पाउडर आप स्किप कर सकते हैं, ये इस्तेमाल करेंगे और करने के आधे घंटे बाद आप सो जाएंगे। सोने में आपको थोड़ा देर होता है, 9:30-9 बज जाता है और फिर भी आपको भूख लग जाती है, तो आपको क्या करना है, 150 ml गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पी लेना है और सो जाना है। इतना ही आपको करना है SMS प्लान में। बहुत आजमाया हुआ प्लान है, बड़ा जादुई तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आपके लिए है फिर 5 टाइम मील प्लान। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही अपने रूटीन वर्क करके फ्रेश पी के शेक लेना है, वहीं शेक 3 चम्मच फार्मूला वन, 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर और 2 चम्मच शेक मेड पाउडर 250 ml पानी में, ये आपको ले लेना है। लेने के 3 घंटे के अंदर 1/2 एप्पल या 1/2 बनाना खाना है। अगर छोटा एप्पल हो तो 1 एप्पल भी खा सकते हैं आप, इसके अलावा खीरा भी खा सकते हैं, ककड़ी भी खा सकते हैं, कोई भी चीज़ खाएंगे उसमें नमक नहीं डालेंगे। 3 घंटे के बाद आपको फिर जो है खाना है, तो उसमें क्या खाएंगे आप, 3 घंटे बाद आपके लगभग 2 बज जाएंगे, 2 बजे आप खाना खाएंगे, रूटीन खाना, जितना आप खाते हैं उतना ही खाना है पेट भर के। बस करना क्या है, उसमें 2 चीज़ें कम करनी है आपको और 2 चीज़ें बढ़ानी है। उसमें से रोटी आपको हाफ कर देनी है, चावल आपको साफ कर देना है, अगर हो सके
अगर आप चावल नहीं छोड़ सकते, आप ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ चावल ही खाते हैं, तो फिर केवल चावल आप खाएं, रोटी को पूरी तरह साफ़ कर दें। चावल जो आप खाएंगे वो भी हाफ करेंगे, उसके बदले में दाल और सब्जी डबल कर देनी है। सैलेड्स अगर नहीं खाते हैं तो खाना शुरू करिए, और खाते हैं तो उसको भी डबल कर देना है, और दही की मात्रा जोड़नी है उसमें। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि वेट कम करने के लिए और पेट को अच्छा रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये हो गया, मैंने आपको तीन मील बता दिया, सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर ब्रंच आपका, और फिर लंच आपका। इसके बाद शाम को नाश्ता करना है आपको। शाम को जो नाश्ता है उसमें आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश के साथ नाश्ता ले सकते हैं। एग्स वगैरह खाते हैं तो आप 4 बॉइल्ड एग्स खा लीजिए, वाइट हिस्सा खा लीजिए। शाकाहारी हैं 10-12 बादाम खा सकते हैं, साथ में अफ्रेस पी सकते हैं। अलावा अगर मखाने खाते हो आप, ताल मखाने, तो लगभग 50 ग्राम ताल मखाने आप खा सकते हैं उसको रोस्ट करके। इसके अलावा आप बेसन का चीला बनाए खा सकते हैं, बेसन का चीला बना खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं एक कटोरी। कुछ भी इस तरह का हल्का नाश्ता आपको शाम को ज़रूर लेना है। फिर आप 3 घंटे के बाद 8 बजे अपना डिनर करेंगे। डिनर में आपका फिर वही शेक होगा। तो ये रहा आपका दूसरा डाइट प्लान। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव है, अगर आप 2 बार शेक नहीं ले पा रहे हैं, 5 बार खाना भी खाने का टाइम नहीं है, SMS पे भी नहीं रह पाते हैं, तो एक और प्लान है। ये प्लान है हर्बल लाइफ के साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आई बटन पे मेरी एक वीडियो है इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, उसको ज़रूर देख लें। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान विथ हर्बल लाइफ क्या है, आपको जो मैंने बताया 5 टाइम मील प्लान या हर्बल लाइफ का जो प्लान बताया मैंने आपको 3 टाइम वाला, इसमें से आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देना है। हो सकता है यहाँ हर्बल लाइफ के कई एसोसिएट्स और कई ट्रेंड कोच देख रहे हों जो कि कहें कि ये ब्रेकफास्ट मिस करना गलत है। तो ये एक थ्योरी है, लोग मानते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट करना ही करना चाहिए, बिना ब्रेकफास्ट किए इससे वेट लॉस नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने आजमाया हुआ है, ये जो मैं जितनी भी प्लान बता रहा हूँ सब आजमाया हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा कारगर काम करता है, जिसका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, सिटिंग जॉब है, जो बैठता है उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना हम खाते जाते हैं ना, ठूसते जाते हैं, इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना सो के उठते हैं सुबह, अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं, अपना कोई ब्रेकफास्ट नहीं लेते, आप केवल फ्रेश पीते हैं, जो लंच का सीधा लंच करते हैं आप, जो 12 जो लंच 2 बजे कर रहे थे उसके जगह आप 12 या 1 बजे 12-11 बजे के आसपास आप लंच करेंगे भरपूर। लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे वही रोटी चावल को कम करेंगे, दाल सब्जी ज़्यादा करेंगे। अपना शाम को 4-5 बजे के आसपास आप फ्रेश पीते हैं तो फ्रेश पी सकते हैं, और थोड़ी बड़ी भूख लगती है तो स्नैक ले सकते हैं, और रात को फिर आप शेक पिए और सो जाए। ये 3 प्लान हैं, इन 3 प्लानों को फॉलो करिए आप पहले महीने में, 1 महीने में ही आप अपना काफ़ी वेट कम कर सकेंगे। 5 किलो या 10 किलो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जिसका वेट अगर 1 क्विंटल है तो वो 10 किलो भी कम कर सकता है, जिसका 60 किलो ही वो 5 किलो ही कम करेगा। तो वेट तो कम होता है उस हिसाब से कि आपकी बॉडी वेट कितना है और आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन हाँ वेट कम जरूर होगा, आप खुश जरूर होंगे और 1 महीने बाद थैंक यू अवश्य कहेंगे। इससे पहले कि हम बाकी के कुछ सवालों को लें, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लोगों से शेयर करें, और आपको रिजल्ट आए, आपको लगे कि कुछ काम की वीडियो है और मेरे चैनल पे काम की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दें। दूसरा सवाल आया है कि वेट घट तो रहा था बट अब रुक गया है। जी हाँ, तो इस सवाल इसका कारण ये है कि जो हमारी बॉडी होती है उसको कंडीशनिंग की आदत है, जैसे हम उसे जिस काम में ढालते हैं वो ढल जाती है। शुरू में जब हम उसे लो कैलोरी देते हैं और हाई वर्कआउट करते हैं तो वो होता क्या है कि हमारा वेट कम होता है, क्योंकि उसको एनर्जी हमारी अधिक खर्च होती है और हमारी सप्लाई कम होती है, तो वेट अपने आप कम होता है कैलोरी डिफिसिट के कारण। लेकिन बाद में शरीर को पता लग जाता है कि यार ये आदमी जो है या ये व्यक्ति कैलोरी कम लेता है और वर्कआउट ज़्यादा करता है, तो वो ऐसे कुछ प्रावधान करती है शरीर के अंदर जिससे कि हमारा वेट रुक जाए, क्योंकि कैलोरी मैनेजमेंट शरीर करती है कि भाई कम से कम कैलोरी खर्च हो। वो हमारी बॉडी इसी तरह बनी हुई है कि वो हमारी कैलोरी को स्टोर कर सके। प्रागैतिहासिक काल से हमारे शरीर ऐसा ही है, तो वो ऐसा करता है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हमें अपने बॉडी को झटका देना पड़ेगा, हमें अपने रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे अगर वर्कआउट आप करते हैं उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको,
मतलब कोई अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई अलग एक्टिविटी करेगा। दूसरा, आप जो डाइट प्लान फॉलो करते थे उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप SMS प्लान फॉलो करते थे, शेक मिल शेक, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप सीधे खाना खा लीजिए, दोपहर में शेक पी लीजिए और रात में शेक पी लीजिए। कभी ऐसा करिए कि ब्रेकफास्ट में शेक पीजिए और फिर दोपहर में शेक पीजिए और रात में खाना खा लीजिए। एक आध बार दो बार ऐसा आप करेंगे तो शरीर आपकी कंफ्यूज होगा आपकी बॉडी और आपका बॉडी वेट घटता है। डाइट्स में जो बदलाव करना है उसमें फाइबर्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। जैसे आप जो शेक बनाते हैं उसमें चिया सीड्स और सब्जा सीड वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं, उनको भी शेक में मिला के आप खाएं। तीसरा सवाल आया है कि यह प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, फ़ायदा ही नहीं करता, पैसे बर्बाद हो गए।